दोस्तों हमारे भारत में सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही ऐसी हैं जो कि 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं, और टाटा उन्हीं कंपनियों में से एक है जिसे कि भारत के सबसे बड़ी कंपनियों में भी शुमार किया जाता है। दरअसल इस कंपनी को शुरू हुए 153 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये कंपनी समय के साथ लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रही है। अब यूं तो इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुँचाने में टाटा परिवार के बहुत से अलग अलग लोगों का योगदान रहा है, लेकिन उन सभी में जमशेद जी टाटा का योगदान सबसे ज्यादा खास माना जाता है क्योंकि उन्होंने इस महान कंपनी की नींव रखी थी। और आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहे जाने वाले जमशेद जी टाटा के जीवन और टाटा कंपनी में उनके उसी अहम योगदान के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जमशेद जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 के दिन गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में रहने वाले एक पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई नवसारी के ही एक स्कूल से की और फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई के साथ ही जमशेद जी ने सिर्फ 14 साल की उम्र से ही अपने पिता के बिजनेस में भी उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया था। और फिर साल 1858 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को पूरी तरह से ज्वाइन कर लिया था। इस तरह से लगभग 10 साल अपने पिता के साथ काम करने के बाद से जमशेद जी ने सन 1868 में 21,000 रुपए की पूंजी लगाकर अपनी खुद की एक कंपनी शुरू की, जहां अपने बिजनेस की शुरुआत उन्होंने टेक्सटाइल मिल के कारोबार से की थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमशेद जी की उसी कंपनी को ही आज हम लोग टाटा के नाम से जानते हैं। असल में टाटा कंपनी की कामयाबी के लिए जमशेद जी के योगदान को सिर्फ इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता कि उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी, बल्कि उनके योगदान को इसलिए इतना महत्व दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में 4 ऐसे बड़े काम किए थे जो न सिर्फ टाटा कंपनी के फ्यूचर के लिए फायदेमंद साबित हुए, बल्कि वे भारत में भी एक रिवोल्यूशन लेकर आए। और जमशेद जी के उन 4 अचीवमेंट्स की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने ये कारनामे उस समय करके दिखाए थे जब हमारा भारत भी आजाद नहीं हुआ था। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके हम जमशेद जी के उन 4 अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से उन्होंने टाटा को देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने की नींव रखी थी। नंबर 1, फर्स्ट स्टील प्लांट इन इंडिया। दोस्तों जमशेद जी टाटा ने अपने करियर की शुरुआत में ही दुनिया के कई देशों का दौरा किया था, और दुनिया घूमने के बाद उन्हें यह चीज बहुत पहले ही समझ आ गई थी कि किसी भी देश में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज उस देश के अंदर स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाना होता है। इसीलिए उन्होंने भारत के अंदर एक स्टील प्लांट बनाने का सपना अपनी यंग एज में ही देख लिया था। हालांकि इस सपने को पूरा करने का मौका उन्हें काफी समय के बाद मिल पाया जब एक बार साल 1882 के दौरान जमशेद जी ने एक फेमस जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पढ़ी, और इस रिपोर्ट से उन्हें पता चला कि नागपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चंदा डिस्ट्रिक्ट में एक आयरन ओर रिजर्व मौजूद है। और फिर ये रिपोर्ट पढ़ते ही उन्हें स्टील प्लांट बनाने का अपना वो सपना याद आ गया जो कि उन्होंने सालों पहले देखा था। अब चूंकि स्टील बनाने के लिए आयरन ओर के अलावा कोयला व पानी जैसी दूसरी भी चीजों की जरूरत पड़ती है, ऐसे में जमशेद जी ने जब उस जगह पर मौजूद कोल रिजर्व की गहराई की जांच करवाई तो फिर उन्हें पता चला कि वो कोयला स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं था। इसके अलावा उस जगह पर स्टील प्लांट बनाने में और भी बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आई, जिसके चलते उस समय जमशेद जी को अपना यह आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। हालांकि जमशेद जी ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी और अपने अंदर उन्होंने यह ठान रखा था कि वे एक ना एक दिन भारत में स्टील प्लांट जरूर लगाएंगे। इसके बाद से साल 1899 में जब उनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी तब एक बार फिर से उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी जिनमें बताया गया था कि भारत में ऐसी और भी कई सारे जगहें मौजूद हैं जहां पर आयरन ओर व कोयला मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, और अगर उन जगहों पर ठीक तरह से खोजबीन करके काम किया जाए तो भारत के अंदर भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। और फिर दोबारा ये रिपोर्ट्स पढ़ते ही जमशेद जी एक बार फिर से हरकत में आ गए और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वे तुरंत ही लंदन चले गए। दरअसल अपने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले वे ब्रिटिश सरकार से उनकी सहमति व हेल्प लेना चाहते थे, इसीलिए लंदन जाकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भारत में एक स्टील प्लांट बनाने के अपने उस प्लान के बारे में बताया। और जैसा कि उन्होंने सोचा था ब्रिटिश सरकार को उनका वो प्लान काफी पसंद आ गया और उनकी तरफ से जमशेद जी को यह काम करने की पूरी पूरी सहमति दे दी गई। इसके बाद से जमशेद जी टेक्निकल सपोर्ट लेने के लिए लंदन से सीधा अमेरिका चले गए। असल में इस बार वो अपने इस सपने को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते थे और उनके इस प्रोजेक्ट में कोई रुकावट ना आए, इसीलिए वो हर एक चीज व हर एक फील्ड में बेस्ट लोगों की ही मदद ले रहे थे।
अमेरिका जाकर उन्होंने चार्ल्स वेल्ड नाम के एक जियोलॉजिस्ट से मुलाकात की और उन्हें भारत में रिसर्च व सर्वे करने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद से कई सालों तक भारत की अलग अलग जगहों पर रिसर्च और सर्वे किए गए ताकि एक ऐसी जगह को खोजा जा सके जो कि स्टील प्लांट बनाने के लिए पूरी तरह से सुटेबल हो। और फिर लंबे समय तक खोजबीन करने के बाद आखिरकार वो जगह मिली गई जहां भारत का पहला स्टील प्लांट यानी कि टाटा स्टील बनाया गया। और दोस्तों आज हम लोग उसी जगह को जमशेदपुर के नाम से भी जानते हैं जो कि भारत का एक फेमस शहर भी है। और इस शहर का नाम जमशेदपुर भी जमशेद जी टाटा के ही नाम पर रखा गया है। नंबर 2, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। दोस्तों जमशेद जी टाटा एजुकेशन के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए भारत के अंदर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए वे एक रिसर्च यूनिवर्सिटी खोलना चाहते थे। और अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने बकायदा एक अलग टीम भी बनाई हुई थी जो कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पर ही काम करती थी। जमशेद जी ने यूनिवर्सिटी बनाने का प्रपोजल ब्रिटिश सरकार के सामने भी रखा, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से उन्हें उनके इस प्रोजेक्ट के लिए कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला। दरअसल ब्रिटिश सरकार का ऐसा मानना था कि भारत में ऐसे लोग ना के बराबर थे जो कि हायर एजुकेशन पाना चाहते थे, और अगर कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन प्राप्त भी कर ले तो फिर उसके लिए भारत में नौकरी या फिर रोजगार के अवसर नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ जमशेद जी को यह पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जरूर आएगा, और जब ऐसा होगा तो इंडस्ट्री को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और वे अपने इस सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। अब उनके जीते जी तो नहीं, लेकिन उनके मरने के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1909 में जमशेद जी के उस यूनिवर्सिटी बनाने के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद से जमशेद जी के उस सपने को पूरा करते हुए बैंगलोर शहर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नाम की एक रिसर्च यूनिवर्सिटी स्थापित की गई जो कि आज भी भारत के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में शुमार की जाती है। वेल, जमशेद जी के उन चार अचीवमेंट्स में हम तीसरे की तरफ बढ़ें, उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और अपने पैसों को सही स्टॉक में इन्वेस्ट करके बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप शायद अभी कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपको मार्केट की सही नॉलेज नहीं है। लेकिन आपकी इस चिंता का समाधान ऐसे एक्सपर्ट्स के पास है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस और गाइडेंस दे सके। वैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल भारत की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है जिसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस और 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने पड़ते और अकाउंट ओपनिंग के लिए सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की जरूरत होती है। मोतीलाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर देता है जो कि आपको गाइड करता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना और कौन सा बेचना है। इसके साथ ही मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हैं वैसे ही आपको वर्थ 25,000 का वेलकम बास्केट भी दिया जाएगा जिसमें कि आप उनके AI बेस्ड टूल का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ में आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और 1,000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलेगा। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल के साथ में आप अपने मोबाइल ऐप या फिर कॉल के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अकाउंट ओपनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहां अपना नाम, फोन नंबर और शेयर को भरें। बहरहाल हम टॉपिक पर वापस आते हैं और जमशेद जी के अचीवमेंट नंबर 3 के बारे में जानते हैं। नंबर 3, ताजमहल पैलेस होटल। दोस्तों जमशेद जी ने अपनी लाइफ में दुनिया के बहुत से देशों की यात्राएं की थी और ये विदेशी यात्राएं करके ही उन्हें टूरिज्म के फील्ड और देश की इकोनॉमी में इसके महत्व के बारे में पता चला था। उन्होंने गौर किया तो पाया कि भारत के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी विदेशी टूरिस्ट भारत में ना के बराबर आते थे। और दोस्तों जमशेद जी को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि विदेशी टूरिस्ट भारत में इसलिए नहीं आते थे क्योंकि उस समय भारत के अंदर एक भी ढंग का होटल मौजूद नहीं था। और इसी समस्या को हल करने व भारत में विदेशी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने आलिशान होटल्स की एक चैन बनाने का निर्णय लिया। और इस तरह से जमशेद जी द्वारा मुंबई के उस ताजमहल पैलेस होटल को बनाने की नींव रखी गई जिसको आज भी भारत के सबसे शानदार और आलिशान होटल्स में शुमार किया जाता है। नंबर 4, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दोस्तों साल 1903 में जमशेद जी ने जब अमेरिका की यात्रा की थी तो वहां वे अमेरिका के नायग्रा फॉल्स पावर प्लांट को देखकर उससे काफी प्रभावित हुए और उसे देखते ही उन्होंने यह तय कर लिया कि वे भारत में भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाएंगे। दरअसल उस समय नई नई बन रही फैक्ट्रियों और टेक्सटाइल मिल्स की वजह से
मुंबई के अंदर पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में मुंबई को पॉल्यूशन से बचाने व भारत को एनर्जी का एक रिन्यूएबल सोर्स देने के लिए उन्होंने मुंबई में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जमशेद जी का दुर्भाग्य ही रहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले ही उनका देहांत हो गया, और फिर उनके जाने के बाद से उनके बेटों रतन जी व दोराब जी टाटा के द्वारा उनका यह सपना पूरा किया गया। और दोस्तों, आज टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माने जाने वाली टाटा पावर कंपनी जमशेद जी के उसी प्रोजेक्ट के ही आधार पर स्थापित की गई थी। और दोस्तों, इसीलिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट जमशेद जी के करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से जमशेद जी ने ही टाटा और यहाँ तक की भारत को बनाने में भी काफी योगदान दिया है, और अब उनके आगे की पीढ़ी उन्हीं के ही सपने को एक्सपेंड करने में लगी हुई है। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।